बिल्कुल। और अब चार लोग हैं जिन पर पुलिस जो है वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। वो चार नामजद कौन कौन से हैं और जिन दो लोगों को पकड़ा गया है, क्या वो बहराइच से बाहर निकल पाए थे जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है और नेपाल भागने की प्लानिंग थी? देखिए, ये डिटेल अभी आना बाकी है, पुलिस जब बयान जारी करेगी तब ये पता पाएगी कहां क्या हुआ है। लेकिन अभी जो अपडेट है उसमें छह जो नामजद थे उसमें दो लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल में छह आरोपी जो नामजद किए गए थे, मैं उनका नाम बता दूं, एक अब्दुल हमीद है जो मुख्य आरोपी था, उनके बेटे रिंकू उर्फ सरफराज, नंबर तीन का आरोपी था फहीम, और नंबर चार का राजा उर्फ शहीद खान जो कल गिरफ्तार हुआ था। फिर ननकाऊ है मारूफ अली है, ये छह हो गए, बाकी चार अज्ञात में है। तो पुलिसिया कार्रवाई अब जारी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा था गोली चलाया जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है, वो यही था जो घायल हुआ है, जो अस्पताल में एडमिट कराया गया है जी पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, यानी छह नामजदों में से दो की गिरफ्तारी हुई है और दोनों को पैर में गोली लगी है, बाकी चारों के भी आपने नाम बताए और उन चारों तक भी पुलिस जल्द से जल्द पहुंच जाएगी ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जब से ये हिंसा हुई है वहां पर आला अधिकारियों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक ने कैंप कर रखा है, वहां पर एक एरिया में इंटरनेट भी बंद किया गया, तो जितने भी आरोपी हैं, मतलब मान के चला जा रहा है कि वो बहराइच से बाहर नहीं निकल पाए होंगे या आसपास ही होंगे, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला है बच के भागने का। देखिए, हेलो जी, देखिए ऐसा है ना, ये जो आरोपी हैं इनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर रहा है, क्योंकि इनके रिश्तेदार पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और पूर्व प्रधान हैं, तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण इनको जरूर मिला होगा। लेकिन हालांकि इनके फोन स्विच ऑफ थे तो सर्विलांस की भी मदद नहीं मिल पा रही थी, हालांकि जैसे इन्होंने एक्टिविटी की तो वैसे ही भागने का प्रयास किया, पुलिस ने इनको दबोच लिया। मैं बता दूं, बहराइच में पिछले तीन दिनों से पीएससी की कंपनियां, आरएफ की कंपनियां सब यहाँ तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी कायम कर रहे हैं, एडीजे गोरखपुर, डीआईजी गोंडा, सब लोग बिल्कुल मैदान में हैं और जरा से भी एक्टिविटी ये कहीं भी होती है तुरंत पुलिस पहुंचती है। तो इसी के बाबत में आज बड़ी पुलिस को कामयाबी मिली है और सरफराज उर्फ रिंकू जो जिसपे मुख्य आरोपी गोली कांड का था, जिसने बताया जा रहा था कि अवैध अजलास ने फायर किया जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, यही मुख्य आरोपी था, इसको पुलिस ने गिरफ्तार मुठभेड़ में घायल किया है, और जो इसका पिता है वो अभी फरार है और इसका एक और भाई जो फहीम है वो भी फरार है। बताया भी जा रहा है कि इनका जो बड़ा बेटा है पिंटू, उसकी रिश्तेदारी उसकी ससुराल नेपाल में है, तो नेपाल में होने की भी आशंका है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो सरफराज फिलहाल मुठभेड़ में घायल हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं यहीं कहीं छुपे हो सकते हैं, हो सकता है इनका पॉलिटिकल कनेक्शन हो, ये छुपे हुए थे। लेकिन बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस को मिली है, ये जो है अब घायल हुए हैं और इनका इलाज जारी है जी। बिल्कुल, यानी ये कंफर्म है कि दोनों घायल हैं, उनका इलाज जारी है, इस एनकाउंटर के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। अखिलेश जी, मौत की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि डॉक्टर से कंफर्म किया गया है तो ये नाम की पुष्टि हो पाई है। हालांकि पुलिस विभाग जहां पे ये अभी इनका इलाज जारी है वहां पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, एसडीएम सीओ हालांकि कई थाने के एसएचओ वहां मौजूद हैं, लेकिन सब ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर है, इंटरनल खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, न्यूज 18 के दर्शकों को, कि सरफराज उर्फ पिंटू और उसका दोस्त तालिब फिलहाल उनके पैर में गोली लगी है, वो घायल है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए नानपारा सीएससी में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, तो आधिकारिक रूप से बयान आना बाकी है, डॉक्टर्स भी ऑफिशियली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपडेट है उसके मुताबिक दो के पैर में गोली लगी है, उनका इलाज सीएससी में चल रहा है। मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागना चाहता था लेकिन उससे पहले ही पुलिस से एनकाउंटर हो गया, और उसका एक दोस्त तालिब, दोनों के ही पैर, सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है और दोनों का इलाज चल रहा है अभी तक की अपडेट के मुताबिक। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो भीड़ की हिंसा हुई और जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिस लड़के की मौत हुई है उसके बाद फिलहाल स्थिति क्या काबू में है, और जो लोग इसमें नामजद बनाए गए क्या सभी एक ही परिवार के हैं या आसपास रहने वाले हैं, उनके बारे में क्या जानकारी पुलिस के पास है अब तक? देखिए आशा जी, जो पीएम रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो मृतक था उसकी किस तरीके से उसकी मौत हुई, प्रबलता हुई, उसके साथ में उसके नाखून का जो दोनों अंगूठे के पैरों के नाखून अंगूठे थे पैर के, वो उसके नाखून के साथ छेड़खानी हुई, उस पर चोट हुआ और नाखून का एक तिहाई भाग गायब था, और उसको छर्रे गोली मारी गई, लगभग 25 से 30 छर्रे उसको लगे
ज्यादा ब्लीडिंग हुई, इसकी वजह से उसकी मौत हुई, और हालांकि उसे बर्न के भी निशान, तो किस तरह से उसकी मौत हुई थी, की गई थी, हत्या की गई है, ये बड़ा सवाल है कि फिर उसके बाद जो एक्शन होना शुरू हुआ है, क्योंकि पूरे मामले में यूपी सरकार भी नजर बनाए हुई थी, मृतक के जो परिजन थे वो मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो यूपी में नजीर बनेगी। आपको ये भी अपडेट बता दें कि जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है, उनके जो बेटे हैं अब्दुल हमीद की प्रॉपर्टी की जाँच भी शुरू हो गई है। आज राजस्व की टीम मौके पे गई थी लेकिन किसी वजह से वापस चली आई है। अब आशंका जारी है एक दो दिन में उनकी पूरी प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी, उसके बाद अब कठोर कार्रवाई करने की तैयारी है। और एक और अपडेट आपको ये भी बता दें कि इनका जो बड़ा भाई है पिंटू, वो नेपाल में रहता था, वो ठगी का काम करता था। कई ऐसे पुलिस वाले हैं, बहराइच में पुलिस वाले हैं, इनको ठगी का शिकार बनाया है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो एक पुलिस वाले का है जिसने बताया कि उसने जमीन लेने के नाम पर ठगी जो जी वहीं से ठगी हो गई। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनको सोना देने के नाम पे ठगी गई, 10 से 20 लाख व्यापारी से लिए जाते थे सोना, कहता था कि नेपाल का सोना बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद उनको नकली सोना थमा के पैसा उसे ले लिया। तो ऐसे ही करोड़ों रुपए की ठगी, तो ये पूरा कनेक्शन है, ठगी कनेक्शन भी है इनका। तो अब इनकी पूरी चुकी, हालांकि सरकार जांच कराएगी और कराना भी चाहिए, चूंकि ऐसे लोग नहीं बचने चाहिए कानून के हाथ से जिन्होंने कानून को ही शिकार बना लिया हो। तो अब पूरी जांच होगी और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे कार्रवाइयां होती हैं, ये तो जिला प्रशासन ही करेगा। लेकिन अपडेट यही है कि फिलहाल पुलिस से मुठभेड़ हुई है जिसमें सरफराज उर्फ रिंकू और उसके दोस्त तालिब के पैर में गोली लगी है। पुलिस भी और भी जो आरोपी फरार हैं उनके उनके उसमें जुटी हुई है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जरा सरफराज को लेकर पुख्ता जानकारी दीजिए, क्या वो मारा गया है, उसकी फिलहाल क्या स्थिति में जो स्टेटस है क्या मिल रहा है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस दौरान सरफराज का एनकाउंटर किया गया है। बीते 3 दिनों से लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीमें इस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। उस वक्त सुबह ही न्यूज 18 ने यह बताया था कि इन दोनों का इनपुट मिला था कि वो बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में है, बहराइच बॉर्डर पर हैं, जिसको लेकर आपसे कुछ देर पहले पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी की है। और जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई थी सरफराज, उसका एनकाउंटर किया गया है, और उसका साथी जो तालिब था, दोनों एक साथ थे और दोनों ही नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, उसके पैर पर गोली मारी की गई है, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो कुल मिलाकर यह पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, और साथ ही साथ जो अन्य मुख्य आरोपी हैं, जो नामजद आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। इस वक्त पुलिस और प्रशासन के जो बड़े अफसर हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार जिस तरह से आपने देखा कि जब दुर्गा विसर्जन जुलूस निकल रहा था बीते रविवार को, तो उस शाम को जैसे ही राम गोपाल नाम का शख्स छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराता है, उसी के बाद इसी सरफराज ने अपनी लाइसेंसी बंदूक, जो कि सिंगल बैरल की बंदूक थी, 12 बोर की बंदूक थी, उसी से उसने गोली मारी और उसी छत पर उसको गोली लगी। इस दौरान करीब 25 से 30 छर्रे रामगोपाल को लगे थे, काफी रक्तस्राव हुआ, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरी हिंसा भड़की। और सरफराज को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, उसका भी एनकाउंटर हो गया है, तो क्या उसकी मौत हो गई है? राजीव, सरफराज की मौत हो गई है क्या? अधिक देखिए, फिलहाल जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, उसमें गोली लगने से सरफराज की मौत हुई है, लेकिन जो दूसरा आरोपी तालिब है, उसके पैर में गोली लगी है, वो गंभीर रूप से घायल है, इनको अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है, जहां पर कुछ ही देर बाद ये पुष्टि हो जाएगी। लेकिन तुरंत इस घटना के बाद जो बड़े ऑफिसर हैं, चाहे वह पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वो मौके पर पहुंचे हैं, और कुछ अधिकारी अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी कार्रवाई है, जैसा कि लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, पीड़ित परिवार को ये भरोसा दिया था कि जिन लोगों के चलते इतनी बड़ी हिंसा हुई, प्रदायिक वारदात हुई, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बताया जाता है कि अब से कुछ देर पहले जब बहराइच पुलिस की टीम ने इनको घेरा, तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसके बचाव में पुलिस टीम द्वारा इन पर फायर किया गया, और इस दौरान पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरफराज की मौत हुई है और तालिब जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि अब से कुछ देर बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा की जाएगी, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है।
तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, सूत्रों के मुताबिक वो भी आसपास हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बहराइच पुलिस को कामयाबी मिली है और एसटीएफ की टीम भी लगातार इनको खोजने में जुटी हुई थी। खुद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ अमिताभ यश मौके पर पहुंचे थे और बहराइच हिंसा के बाद जो आग फैली हुई थी उसको नियंत्रित करने का काम भी किया था। तो कुल मिलाकर चाहे पुलिस हो, चाहे एसटीएफ हो या एटीएस के कई अधिकारी पहले से ही बहराइच में कैंप कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले पुलिस की टीम को इन्हें घेरने में कामयाबी मिली। लेकिन जैसे ही पकड़ने की कोशिश की गई वैसे ही इनके पास मौजूद असलहों से पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में सरफराज के मारे जाने की खबर आ रही है और तालिब के पैर में गोली लगने की सूचना मिली है। फिलहाल इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, कुछ ही देर बाद सरफराज की मौत की पुष्टि हो सकती है। तो राजीव, अब तक कितने आरोपियों की पहचान हो चुकी है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, लगातार इस हिंसा के बाद जो तमाम सीसीटीवी फुटेज थे, कैमरे लगे थे, उनको खंगाला जा रहा है। जो मौके पर लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए थे उनको खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर पहले ही करीब 60 से 65 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उनको हिरासत में लिया जा चुका है। जो मुकदमा लिखा गया था उनमें 4 लोगों को नामजद किया गया था, उसमें सरफराज था, तालिब था और 2 अन्य लोग नामजद थे और करीब 45 जो अन्य लोगों को नामजद किया गया था। तो कुल मिलाकर पुलिस को जो बीते 3 दिन से अभी जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज दोपहर अब से कुछ देर पहले पुलिस की टीम ने उन्हें घेरा और जैसे ही पकड़ने की कोशिश की वैसे ही इन दोनों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसके बचाव में पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की उसमें सरफराज मारा गया है और तालिब गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई है और अब आने वाले दिनों में जो अन्य आरोपी हैं उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की टीम है उसको बहराइच बॉर्डर पर नेपाल भागने के दौरान ये एक बड़ी सफलता मिली है, जिसको लगातार पीड़ित परिवार मांग भी कर रहा था कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई है, जिसके बाद जो पूरे बहराइच में तनावपूर्ण स्थिति थी उसमें कुछ सुधार होता नजर आएगा, क्योंकि